K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है। दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो रेडिकलाइज्ड खालिस्तानी है, और ISI ने अमृतपाल सिंह को वहां पे ग्रूम करना शुरू करा। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जज्बा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं। ये खुद नहीं लड़ते क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है, तो इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मूवमेंट की। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पर पंजाबियों को बर्बाद कर दिया उनको ड्रग्स दे देकर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं पंजाब, और आप सबको पता है कि अमृतपाल सिंह को लेके वहां पे क्या क्या चल रहा है और कौन सा ड्रामा चल रहा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं यार उसको पकड़ा क्यों नहीं अभी तक, और हो सकता है जब तक ये वीडियो देखें उसको पकड़ लिया जा चुका हो। लेकिन मैं ये बात अभी नहीं कह सकता क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टिल ऑन द लूज, वो भाग रहा है, पंजाब पुलिस उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई। मैं आपको थोड़े से इतिहास में ले जाना जरूरी समझता हूं, और आपको इतिहास में ले जाना इसलिए जरूरी है ताकि आप यह समझ लें कि ये जो पूरा हो रहा है ना, जो चक्रव्यूह चल रहा है पंजाब में, चल क्यों रहा है और इसका इसका जो सोल्यूशन है, इसका उत्तर क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। अब मीडिया तो आपको बताएगा ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये हो गया, वो सब हमें पता है। हमें यह पता है कि किस तरीके से इसने गुरु ग्रंथ साहिब को आगे ले जाकर इसने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा, और इसके ऊपर किडनैपिंग का केस है, दुनिया भर के इसके ऊपर केसेस हैं, हेट स्पीच के केस हैं, ये सब राइट। लेकिन जो आपको नहीं बता रहा है वो ये नहीं बता रहा है कि इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं और इसका समाधान क्या है। तो आज जड़ों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों समाधान के बारे में बात करेंगे। अमृतपाल सिंह का ये मामला है, आप सबको पता दुबई में ट्रक चलाता था। 6 महीने पहले ये बंदा जो क्लीन शेवन सिख था राइट, ये क्लीन शेवन था, इसकी इसके लंबे बाल नहीं थे, इसकी बहुत कम दाढ़ी थी, इसने बाल वाल अपने बिल्कुल हीरो टाइप इसने कटवा रखे थे। ये बंदा जो है ये आता है पंजाब, ठीक है, ये पंजाब आता है, और वारिस पंजाब दे दीप सिद्धू आपको याद होगा, स्मॉल टाइम एक्टर जो एक्सीडेंट में मारा गया था। दीप सिद्धू ने एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी वारिस पंजाब दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको चलने क्यों दिया। वारिस पंजाब दे खुले में पैसा इकट्ठा करते थे, खुले में स्पीचेस देते थे, खुले में खालिस्तान प्रोपोगेट करते थे, और यही चीज कई बार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, देखो इनडायरेक्टली भी होता है राइट, सिद्धू मूसेवाला ने भी करी है। अब कई लोग गुस्सा हो जाएंगे जो फैंस हैं, आप गुस्सा हो ना हो वो आपकी मर्जी है, जो सच है मेरा काम है सच बोलना, और सच सुनने की आदत डाल लो क्योंकि यहां पे मेजर सच ही बोलेगा। ये इतने बड़े क्यों बन गए, भिंडरांवाला इतना बड़ा क्यों बन गया, क्यों भिंडरांवाला इतना बड़ा बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि उसको पाला गया। एक GBS सिद्धू साहब हैं, स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे एक टाइम पे, बड़े सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी 20-25 साल उन्होंने रॉ को दिए। उन्होंने एक किताब लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, आप देख सकते हैं किताब को। उन्होंने लिखा है कि खालिस्तान का मामला, उसमें पाकिस्तान बाद में आया, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, लेकिन उसके बीज किसने बोए, बीज दिल्ली से बोए गए थे, बीज दिल्ली से बोए गए थे और फंडिंग करी गई थी, भिंडरांवाले को पैदा करा। उसी तरीके से अमृतपाल सिंह को कौन पैदा कर रहा है, इसकी जड़ें कहां है, ये पाकिस्तान का K2 प्लान क्या है। भाई K2 प्लान सिंपल है, K2 यानी कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड माउंटेन पीक्स, वो भी है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और K2 यानी कि के कश्मीर के खालिस्तान, ये पाकिस्तान का रेफरेंस है। K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है, उसको लाया जाता है, और अचानक ये बंदा जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, दीप सिद्धू जो था वारिस पंजाब दा, वो तो एक्टर था, उसको 10 लोग पहचानते थे, इसको कौन जानता है, वो फिर भी एक्टर था तो वो तो स्क्रीन पे आता था, इसको तो कोई नहीं जानता था। एक अननोन क्वांटिटी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कैच करा वहां पे, दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो रेडिकलाइज्ड खालिस्तानी थे, और ISI ने अमृतपाल सिंह को वहां पे ग्रूम करना शुरू करा।
इसकी आइडियोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन जो थी, इसको यह बताया गया कि भारत बुरा है, इसको यह बताया गया कि भारत बहुत जुल्म कर रहा है सिखों पे, इसको यह बताया गया कि भारत ने यह करा वो करा, दुनिया भर की चीजें जो ड्रामा था इसको पूरी झूठी जो थी चीजें इसके दिमाग में फिट करी हैं, और इस बंदे को यहां पे लाया। दीप सिद्धू मर गया, जब तक दीप सिद्धू था वो एसआई का काम कर रहा था, अब अमृतपाल सिंह आ गया, दीप सिद्धू की जगह वारिस पंजाब ने इसका चीफ बन गया। दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और बहुत जरूरी है समझना। देखिए ऐसा है, ये कर क्यों रहा है पाकिस्तान, दो तीन कारण है। मैंने बोला था ना पहले जड़ों पे जाते हैं फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता, ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जज्बा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों चीजें चाहिए। पाकिस्तान नहीं लड़, उसके जर्नैल, अभी मैंने आपको नहीं बताया था दो तीन दिन पहले, वो 40-45 हज़ार एकड़ जमीन पंजाब में उन्होंने हड़प ली, पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि हम खेती बाड़ी करेंगे। ये तो उनके फौज के हाल है यार, आपको लगता है फौज लड़ने वाली है? जनरल बाजवा 1200 करोड़ की संपत्ति, ये फौज लड़ने वाली है? जनरल आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल 150 या 125 कुछ पापा जॉन के पिज्जा, ये फौज लड़ने वाली है? जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ, जिसके बारे में मैंने बोला 1200 करोड़ की संपत्ति है, वो जब से रिटायर हुआ है पाकिस्तान में है ही नहीं। वो कभी लंदन, कभी दुबई, कभी यहां, कभी वहां, पाकिस्तान में उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। ये लड़ने वाली फौज है। परवेज मुशर्रफ जिसकी डेथ हो गई, वो विदेश में ही मर गया, वापस आया नहीं, ये लड़ने वाली फौज होती है। जनरल अशफाक परवेज कियानी, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक उसने टापू खरीद लिया, एक जजीरा खरीद लिया, एक आइलैंड खरीद लिया उसने, ये अय्याशी की जिंदगी जी रहा है, ये लड़ने वाली फौज है। आप बताइए, जनरल रहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर्मर, जो सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है, अपने मुल्क पे वो कदम रखना ठीक नहीं समझता, ये लड़ने वाली फौज है? मैंने आपको दसियों एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं इनके फौज के जर्नलों के करप्शन, ठीक है? और इसलिए ये खुद नहीं लड़ते क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है, तो इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। और मर्द के बच्चे तो खुद आके लड़ो यार, वो काम नहीं करना है इन्होंने। जिहाद करेगा गरीब का बच्चा, इनका लड़का जाएगा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए। तो पाकिस्तान ने यह चीज क्लियर, और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, अब इसकी जड़ें। पाकिस्तान ने बोला कि भाई इसको लॉन्च करो, इसको पैसे वैसे दिए, इसकी फंडिंग दी। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो गुरुद्वारा साहब है ना फॉरेन कंट्रीज में, आपके लंदन में, आपके कनाडा में, यूएस में, कई जगह जो एक पवित्र पावन जगह है, जो भगवान का घर है, उसको करप्ट कर दिया इन लोगों ने। वहां पे इन लोगों के डोनेशन बॉक्सेस में मोटा मोटा पैसा डलता है, इस पैसे से फंडिंग होती है। नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मूवमेंट की, और उसी प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को दुबई से वापस इंडिया लाया गया, और यहां पे आके इसको छोड़ दिया गया, इसका प्रचार करा, खूब करोड़ों रुपए डाले, इसकी पूरी फौज बनाई गई। वरना एक ट्रक ड्राइवर की क्या हैसियत है भाई? आप एक बात बताइए, एक अनजान बंदा, खुद सोचिए जरा, जो मीडिया कह रही है आपको ना, उसको दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मारिए गोली, डज नॉट मैटर, जाने दो उसको। एक ट्रक ड्राइवर, ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर दुबई से आता है जिसको कोई नहीं जानता, और अचानक हर एक मीडिया वाला उसके मुंह के अंदर माइक डालने को तैयार है कि अमृतपाल सिंह जी आप, एक तो मीडिया भी ऐसी है ना, मीडिया भी ऐसी है कि फालतू की बकवास जरूर उनको करनी है अपने न्यूज बाइट्स के लिए। हां बताइए अमृतपाल सिंह जी आप क्या समझते हैं, हम तो भारत के संविधान को मानते नहीं। अमृतपाल सिंह मारा जूते इसको खींच खींच के, भारत के संविधान को नहीं मानता, और भारत का संविधान के लिए ना फिर कुछ और करना पड़ेगा इसको, तब यह मानेगा भारत का संविधान। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये सांप है, ये अपने आपको सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं, मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो जब परेशानी सामने आई है, खतरा सामने आया है, मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने इतिहास में पढ़ा। फौज में आप कितने परमवीर चक्र हैं, कितने अशोक चक्र हैं, कितने महावीर चक्र हैं, कितने शौर्य चक्र हैं, अगर मैं सरदारों की लिस्ट बताऊं वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। हमने तो नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको यह बोल ही नहीं सकता कि वो सिख है जिसके सामने परेशानी आई वो भाग गया। ये पहला आदमी, ये खोटा सिक्का है, ये सरदार है ही नहीं, तो ये खोटा सिक्का है। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामने से पुलिस है? ठीक है, पहले इसने गुरु ग्रंथ साहिब को सामने ले गया, पुलिस वाले बैक ऑफ कर गए, सही बात है, कोई भी मैं होता मैं बैक ऑफ कर जाता यार, मैं थोड़ा ना फिर इसके ऊपर चढ़ दौड़ता, मैं नहीं करता, क्योंकि सामने गुरु ग्रंथ साहिब है, इसने उसका फायदा उठाया। ठीक है, ये एक आदमी सिर्फ कमजोर नहीं है, ये कपटी भी है, ये चोर उचक्का भी है, राइट? इसके अलावा इसने क्या करा देखो, अब जब पुलिस आई ये भाग गया। ठीक है, तो ये
आईएसआई का एक मोहरा है जो पंजाब में दोबारा जहर फैला रहा है। मैं एक और आपको बता देता हूं सिमिलैरिटी पंजाब और कश्मीर के बारे में, दोनों जगह में इंडिया की मैक्सिमम ड्रग प्रॉब्लम्स हैं। आपने तो उड़ता पंजाब पिक्चर देख ली, इसलिए आपको पता लग गया कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था, जो बाहर वाले थे, जो साउथ इंडिया के थे या नॉर्थ इंडिया के थे, ईस्ट और वेस्ट के थे, सेंट्रल कहीं के भी थे, उनको यही नहीं पता था कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। सुनी थी ऐसी उड़ती उड़ती बातें, वो तो पिक्चर आ गई उड़ता पंजाब, तो सब लोगों को पता लग गया कि यार ऐसा कुछ है। उड़ता कश्मीर भी है भाई साहब, उड़ता कश्मीर भी है। कश्मीर वैली में इतनी भयंकर ड्रग प्रॉब्लम है कि लोग उसके बारे में बात करना, मैं तो जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है सच्चाई जमीन पर क्या है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पर पंजाबियों को बर्बाद कर दिया उनको ड्रग्स दे देकर, एंड ऑल दिस इज नार्को टेररिज्म। ये सरहद पार से आते हैं ड्रग्स, ये कभी ड्रोन में डालते हैं ड्रग, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी सुरंग बना के किसी तरीके से। आप 100% तो नहीं रोक सकते, वो 100 बार भेजेगा, आप 90 बार रोक लोगे, 10 बार फिर आ जाएगा अंदर। दैट इज वॉट दे आर डिपेंडिंग ऑन। और एक बार आपने इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, एक बार आपने पूरे ड्रग एडिक्ट की, आपने एक पूरी एक जनसंख्या जो है उसका एक पोर्शन आपने ड्रग एडिक्ट बना दिया, तो फिर वो ड्रग एडिक्ट तो अपना रास्ता देख लेगा कहीं से भी, वो खरीदेगा। जिस आप जिसको ड्रग की आदत लग गई, उसको घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, अपने तन बदन के कपड़े बेचने पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, ठीक है, उसको माँ बहन बेटी बीवी के जेवर बेचने पड़े, उसको ड्रग चाहिए तो उसको चाहिए यार, उसको चाहिए। और वहां से ये लोग ये सब वारिस पंजाब दे, और ये सब जो फ्रॉड चल रहा है 420C, ये वहां से फंड होती है। अब मैं बताता हूं उसका, ज्यादा समय ना लेते हुए आपका, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहली बात तो ये, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता, चलो इसके बारे में नहीं पता था, अननोन क्वांटिटी था, ये आ गया वापस। सबसे पहले जितने भी खालिस्तानी हैं, टॉप 1000 जितने भी आप आइडेंटिफाई करें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया पीरियड, दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद इंडिया पीरियड, दे शुड नॉट बी अलाउड टू सेंड मनी और रिसीव मनी फ्रॉम इंडिया पीरियड, कहानी खत्म। आप उनको ब्लैकआउट कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि खालिस्तान उनको कहां बनाना है, कनाडा में तो बनाना नहीं है, उनको तो बनाना पंजाब में। इनको यही गलती हमने करी जब ये कश्मीरी रेडिकल्स जाके तुर्की में रहते थे, वहां से जाके इंटरनेट पे जहरो गलते थे, और यहां पे आके अपना आराम से कश्मीर में गर्मियों में आए, अपना टाइम वाइम बिताया, फिर वापस तुर्की चले गए जहरो गलने के लिए। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के यार हैं, ठीक है, पकड़ के इनको लगाओ डंडा चार चार, बिल्कुल जहिंद बोलेंगे ये, और जनमनगन भी गाएंगे खड़े होके। वो तो हम बड़े सॉफ्टली इनके साथ पता नहीं क्यों डील करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी फंडिंग एनआईए ब्लॉक करे, वारिस पंजाब को डिक्लेयर इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या फर्क पड़ता है, डिक्लेयर वारिस पंजाब दे अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबको जेल में डालो, टेररिज्म के चार्ज लगाओ, जिंदगी भर तक अपनी एड़ियां घिसते रहे कोर्ट कचहरी में, घिसते रहे कोर्ट कचहरी में। लेट दिस बी अ लेसन टू एवरी इंडियन हु होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, हु होल्ड्स इंडियन आधार कार्ड एंड सिटीजनशिप, कि बॉस यू गो अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, तुम स्टेट के खिलाफ अगर तुम जाते हो तो फिर देखना तुम्हें उल्टा लटका के पीटेंगे, तुम्हारी पुश्तें जो है ना वो याद रखेंगी कि तुमने क्या काम करा है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टेट पुलिस है, देखो मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सल्यूट करता हूं, पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ पॉलिटिकल कमेंट हियर, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस हो, वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, साउथ इंडिया की हो, नॉर्थ इंडिया की हो, एनी वेयर इन इंडिया, इट इज डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर। ये अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, जहां पे जो पुलिस थी दैट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। आज भी पुलिस में, मैं आपको एक बात सच्ची बात बता रहा हूं, 1861 की पुलिस एक्ट है जो आज भी चल रही है, हम लोग 2023 में बैठे हैं मार्च में, 2023 में 1861 की पुलिस एक्ट चल रही है। दैट इज वाई एवरी पॉलिटिशियन वॉन्ट्स टू कंट्रोल द पुलिस, हर एक पॉलिटिशियन पुलिस को कंट्रोल करना चाहता है। और पंजाब पुलिस, अगर लीडरशिप ठीक मिले तो पंजाब पुलिस कमाल कर सकती है, ये कमाल कर चुकी है कई बार पहले भाई, ये कोई नई बात थोड़ा ना बता रहा हूं मैं आपको कि पंजाब पुलिस कमाल कर देगी तो नहीं, वो कर चुके हैं कई बार, लेकिन इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मैं एक बात बताऊं, एक फिल्म है खाकी, आप देखिएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है बड़ा प्यारा, ही प्लेज अ पुलिसमैन एंड ही सेज कि अगर पुलिस चाहे, ये इस पिक्चर का डायलॉग है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डायलॉग है ये, मैं जानता हूं,
अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। दोस्तों आप इशारा समझ गए होंगे, अगर अभी तक अमृतपाल सिंह खुला घूम रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि बॉस इसको छेड़ना मत, एक माहौल बना के रखो कि इसको पकड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक, मैं पूछना चाहता हूं, वाई इज इट सो डिफिकल्ट? एंड पंजाब पुलिस इज अ प्रोफेशनल फोर्स, पंजाब पुलिस ने बहुत बलिदान दिए, बहुत सैक्रीफाइस दिए इनको, तो पंजाब पुलिस, मैं आपको एक, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच्ची बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर थे उनको इतना हैरेस करा, देयर आर फ्यू ऑफिसर्स हु कमिटेड सुसाइड, उनके ऊपर झूठे केस लगाए कोर्ट कचहरी, जबकि उन लोगों ने पूरी पंजाब की सफाई कर दी थी, ये बब्बर खालसा टब्बर खालसा को सब ऊपर टांग दिया था इन लोगों ने, जब केपीएस गिल साहब हुआ करते थे व्हेन ही वाज डीजीपी, इसी पंजाब पुलिस ने खदेड़ के मारा था खालिस्तानियों को। लेकिन खुद जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने हमारे कोर्ट्स का इस्तेमाल करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करा, इन लोगों ने इतना ज्यादा हैरेस करा कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स, सम ऑफ देम वर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या कर ली, इतना गंदा गेम चल रहा है वहां पे। और आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है, यह अगर बढ़ता है, अमृतपाल सिंह बड़ा होता है तो हमारी गलती है, क्योंकि इसको बड़ा बनने दिया। पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, यार इसको अगर पकड़ लेंगे तो हमारे कितने वोट जाएंगे जरा गिनना भाई साहब, तो भाई खाता बना रहा है वो, अच्छा इतने वोट चले जाएंगे, तो थोड़ा सा और रट, चलो चलने तो कोई बात नहीं भाई साहब, सांप को दूध पिला रहे हो, सांप को दूध पिला रहे हो, डोंट गो बैक टू दी 80s। वो 80 का दशक सबसे काला दशक था पंजाब की हिस्ट्री में, औरंगजेब के शासन के बाद सबसे काला दशक था, इट वॉज द वर्स्ट पीरियड आफ्टर औरंगजेब विच पंजाब हैज सीन, इतना ब्लडशेड, इतना खून खराबा, हजारों की तादाद में ऐसे कई लोग हैं, कई सौ की तादाद में, जिनका पता ही नहीं इनकी बॉडीज कहां पे हैं, कौन से खेत के नीचे, कौन से पता नहीं कुएं के अंदर डाल दी, कौन से खेत के नीचे उनकी बॉडी दबा दी, किसी को पता नहीं लगा आज तक। पंजाब ने इतने बुरे दिन देखे, वही अमृतपाल सिंह आईएसआई की शय लेकर, आईएसआई का पैसा लेकर वही काले दिन वापस पंजाब में लाना चाहता है। इसको तो पकड़ो, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ को वहां पे, सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ का मैसिव डिप्लॉयमेंट करो वहां पे, इसको पकड़ो, सीआरपीएफ मार मार के इसका दुम्बा बनाएगी सबसे पहले, और इसको जेल में डालो, कहां पे मैं बताता हूं आपको, पंजाब में जेल में मत डालना कि लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर, नो 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 नो, इसका इकोसिस्टम वहां पे है, ये मदद करेगा इसका इकोसिस्टम, ठीक है, इसका इकोसिस्टम मदद करेगा। हो सकता है कि कोई पुलिस वाला कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मैं पंजाब पुलिस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज पंजाब पुलिस आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई सल्यूट पंजाब पुलिस, लेकिन इक्के दुक्के बैड एप्पल्स आर एवरीवेयर, ठीक है, ब्लैक शीप आर एवरीवेयर, हर जगह मिल जाती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक दो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं, कोई मजबूरी होगी, कोई पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होती है उसकी, राइट? आप उसको पंजाब में मत डालो, आप उसको डालो बिल्कुल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, केरल के किसी जेल में डालो, जहां पर ना वो कल्चर समझता हो अमृतपाल सिंह, ना उनकी लैंग्वेज समझता हो, ना उनका खाना समझता हो, एंड ही शुड बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एवरीबडी इन कंप्लीट 100% आइसोलेशन। अमृतपाल कहां गया किसी को पता है? या डालिए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के किसी जेल में दूर, आइजोल, लॉन्ग तलाई, लुंगले, कहीं पे ऐसे दूर जगह जहां पर नेटवर्क ही ना मिले फोन का, और वहां पे रहे वो अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द सीआरपीएफ। और जो वारिस पंजाब के जितने भी हैं सबके ऊपर, जैसे करा था ना एनआईए ने क्रैकडाउन, पूरी हुरियत गायब कर दी थी रातों रात, वही वारिस पंजाब के साथ करना है, दीज आर वेरी डेंजरस पीपल। और दोस्तों मेरी आखिरी अपील है आप सबसे, ठीक है, मैं आज कोई पाकिस्तान वाकिस्तान के बाद, उन्होंने तो वैसे ही 40,000 टन जो गेहूं आया था चोरी कर गए पाकिस्तानी, तो मैं आज तो पाकिस्तानियों की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये फिर खालिस्तानी हैं, ठीक है, ये खालिस्तानी जानवर हैं, ये इंसान है ही नहीं है, ये हिंदुओं और सिखों के बीच में फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपसे अपील करी थी, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं, ये जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जो मंदिरों को खिड़कियां तोड़ दी या स्प्रे पेंट कर दिया और उल्टी सीधी बातें कर दी, क्यों कर रहे हैं ये? आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रिएक्शन ये चाहते हैं इंडिया में हो। ये पता है क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 10,000 हिंदू इकट्ठा हो जाएं और गुरुद्वारे के अंदर कुछ गलत चीज कर दें या हमला कर दें, ये चाहते हैं। फिर ये दुनिया भर में जाएंगे, बोलेंगे अच्छा देखो ये जो रेफरेंडम हम करना चाह रहे थे, एक खालिस्तान का, एक आजाद रियासत का, एक आजाद मुल्क का, इसलिए क्योंकि यहां पर सिख सेफ नहीं है। ये इन जानवरों का प्लान है, ठीक है, आप इंसान हैं, ये जानवर है,
और ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि किसी जानवर ने इंसान को बेवकूफ बना दिया हो। आप इनके प्लान में फंसना मत, और हर एक गुरुद्वारा साहब को वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो, वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो, तभी इन खालिस्तानियों के मुंह पे जूते पड़ेंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना छित्तर भिगा भिगा के। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसा आप रामायण को महाभारत को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। जैसे आप गुरुद्वारा साहब को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे जैसे आप मंदिर को देते हैं। यह होगा खालिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ या फिर जूता। और ये अमृतपाल सिंह, इसको डालो जेल में, और इसको जो अब्बू है ना पाकिस्तान में, ठीक है, उनको तो अलग से टाइट करेंगे कभी और। लेकिन सबसे पहले इसमें नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये सांप का बच्चा, मैं बता रहा हूं, सफोला है, ये कल अजगर बनेगा, पूरे पंजाब को डसेगा। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।